विटामिन सी सीरम बनाने के लिए ऑफकोर्स सबसे पहले चाहिए विटामिन सी, और चाहिए गुलाब पानी, उसके साथ चाहिए एलोवेरा जेल, कोई भी कंपनी का एलोवेरा जेल आप ले सकते हैं, और ग्लिसरीन। तो ये चारों इंग्रेडिएंट्स का ज़रूरत होगा, साथ में विटामिन ई कैप्सूल की। सबसे पहले मैं विटामिन सी टैबलेट्स को क्रश करके फाइन पाउडर में कन्वर्ट कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने 15 टैबलेट्स लिया है। 50 ml सीरम बनाने के लिए 10 से 20 टैबलेट्स के बीच में कितने भी आप ले सकते हैं। मैंने विटामिन सी के नॉन च्यूएबल टैबलेट फॉर्म्स वो लिया है, क्योंकि च्यूएबल फॉर्म में थोड़ा सा शुगर होता है जो हमें नहीं चाहिए। तो इस तरह सब विटामिन सी के टैबलेट्स को फाइन पाउडर में ग्राइंड करके रेडी कर लेना है, और उसके बाद इसको एक बोल में ट्रांसफ़र करना है। उसके बाद आगे के प्रोसेस देखते हैं, पर उससे पहले अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल के नीचे का सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाइए, और उसके साथ वाला घंटी बटन को भी प्रेस करना मत भूलिए, ताकि जब जब मैं ऑनलाइन आऊँ आपकी भी घंटी बज जाए। मार्केट में अवेलेबल कॉस्टली विटामिन सी सीरम तो हम जब मर्जी खरीद सकते हैं, पर क्या घर में बनाया हुआ विटामिन सी मार्केट जैसा इफ़ेक्टिव होगा लो कॉस्ट में? तो चलिए देख लेते हैं। होममेड विटामिन सी सीरम बनाने के लिए सबसे पहले हमें विटामिन सी पाउडर के साथ मिलाना है 4 to 5 टेबलस्पून ऑफ गुलाब जल। आप कोई भी कंपनी के गुलाब पानी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने डाबर गुलाबरी लिया है। मैं यहाँ पे विटामिन सी टैबलेट्स को क्रश करके पाउडर फॉर्म यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो डायरेक्ट विटामिन सी पाउडर भी मार्केट से ख़रीद के यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम मिलाएंगे 2 चम्मच ग्लिसरीन, और इसके साथ ऐड करेंगे 1 to 2 टेबलस्पून एलोवेरा जेल। अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को एक साथ मिक्स कर लेना है, ताकि विटामिन सी पाउडर जो है इसमें अच्छे से डिसॉल्व हो जाए। एलोवेरा जेल स्किन को मॉइस्चराइज करता है और दाग धब्बे रिमूव करके फेस में ग्लो लाता है। रोज़ वाटर एक बहुत ही अच्छा स्किन टोनर है, और इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ की वजह से ये स्किन के रैशेज और रेडनेस को कम करने में मदद करता है। फाइनली हम इसमें 2 विटामिन ई कैप्सूल्स मिलाएंगे। इससे हमारे सीरम में विटामिन ई की सारी गुडनेस भी शामिल हो जाएगा, और सीरम भी ज़्यादा दिन अच्छा रहेगा। अब एक बार फिर से इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेना है, और एक क्लीन कंटेनर में सीरम को ट्रांसफ़र कर लेना है। फाइनली इसे बॉटल के अंदर अच्छे से शेक कर लेना है, और हो गया हमारा विटामिन सी सीरम रेडी। मैं जब फर्स्ट टाइम विटामिन सी सीरम ख़रीदा था तो वो मुझे 1500 के आसपास में मिला था, और अब जो सीरम मैंने बनाया, इसे बनाने के लिए सिर्फ विटामिन सी टैबलेट्स मैंने इस्तेमाल किया है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ 18 रुपये के 25 टैबलेट्स। तो अभी आप पूछेंगे कि मार्केट में अवेलेबल विटामिन सी सीरम इतना महंगा क्यों आता है? वो इसलिए कि विटामिन सी बहुत ही जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो इसे प्रिजर्व करने के लिए बहुत सारे कॉस्टली केमिकल्स इस्तेमाल किया जाता है, जैसे हाइलुरोनिक एसिड, जैंथन गम, फेरुलिक एसिड, ये वो एक्सट्रैक्ट और बहुत सारा, जिसके वजह से ये सीरम का दाम खामोखा बढ़ जाता है। हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हम इस सीरम को बनाएंगे, यूज़ करेंगे, फिर नया बनाएंगे, और ये सीरम उतना ही इफ़ेक्टिव है जितना मार्केट वाला सीरम। तो इसको यूज़ कैसे करना है मैं आप लोगों को बता दूँ। वेरी ईजी, इसके थोड़े से ड्रॉप्स लेने हैं। पहले आप क्लीन कर लीजिए फेस अपना अच्छा से, फिर इस सीरम को दोनों हाथ में रब कर लीजिए और फेस पे अप्लाई कीजिए। इस सीरम को आप डेली दिन और रात में यूज़ कर सकते हैं, और इसे 10 से 15 दिन तक ऐसे स्टोर कर सकते हैं। विटामिन सी स्किन के कोलेजन प्रोडक्शन को बढ़ाता है, और अंडर आई डार्क सर्कल्स मिटा के फाइन लाइंस और रिंकल्स रिमूव करके एक यंग लुक देता है, और इसके साथ साथ स्किन लाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग का भी काम करता है। सिर्फ ध्यान रखिए, अगर दिन में इसे यूज करना है तो कोई अच्छा सनस्क्रीन लगा के बाहर निकले, वरना डायरेक्ट सनलाइट पे एक्सपोज होने की वजह से स्किन में फोटो सेंसिटिविटी रैशेज निकल सकता है। तो फ्रेंड्स, ये था DIY विटामिन सी पे मेरा आज का वीडियो। आप भी इस सीरम को इस्तेमाल कीजिए, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कैसा लगा। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं फिर मिलूंगी मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।